The internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so namaskar मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन सीओपीडी ओ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ इसके बारे में बात करेंगे ये क्या है ये एक, एक लंग की बीमारी है कि आपके फेफड़े आपके लंग पहले से डैमेज है तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है कि फेफड़े आपके पहले से डैमेज है तो फिर आपको कोई दूसरी बीमारी हो जाती जैसे कोरोना जैसे कोविड तो आपके लिए बिल्कुल घातक साबित घातक साबित हो सकती है तो इसीलिए आपको ये बीमारी के बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है कि सीओपीडी होता क्या है सीओपीडी का मतलब उसमें दो मेन बीमारियां घुसाई जाती हैं है आई जाती है जिसका नाम है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो कि लंबे समय में आपको बार 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 खांसी हो रही है बार 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 म्यूकस हो रहा है बार बार खांसी बार बार म्यूकस बार बार खांसी बार बार म्यूकस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लंबे समय यानी तीन चार महीने से ज्यादा एमफाइसीमा उसका दूसरी बीमारी है एम मतलब लंग जो है लंबे समय में डैमेज हो गए हैं डैमेज का मतलब है लंग के अंदर की जो सांस की नलियां हैं वो लिटरली उसके अंदर की जो उसका जो सीधापन है वो टेढ़ा भेड़ा हो गया है वो फूट फाट गए हैं उसके अंदर के जो फूफूले हैं वो एक छोटे छोटे होने चाहिए फूलने होने चाहिए वो फूट गए हैं बबल्स सारे फूट गए हैं तो वो कई सारे फूट गए हैं सारे तो नहीं कई सारे फूट गए हैं तो वो एक पर्टिकुलर जितना हिस्सा फूट गया है उतना हिस्सा काम से गया तो आपका लंग जो है

सरकार की जिनको पैसे से ज्यादा प्यार है तो स्मोकिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेन कॉज़ ऑफ़ सीओपीडी जितना आप स्मोक करोगे उतने आपकी सीओपीडी के चांसेस भी बढ़ेंगे जितने साल स्मोक करोगे उतने उतना ज्यादा गहरा उतना ज्यादा डैमेज आपके लंग में होगा पीपल जो स्मोक करते हैं लंबे समय तक उनको सीओपीडी होती है कुछ ऐसे कुछ कम बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं किस्मत वाले जिनकी ये देखी गई है कि स्मोकिंग करते हुए भी उनको सीओपीडी नहीं हुई वरना सब बाकी सबको होती है भैया आप इतने लकी नहीं हो अगर स्मोक कर रहे हो तो याद रख लेना पहली बात तो ये दूसरा इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक ही कारण है इसका इसके अलावा आप मान लीजिए अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको किसी प्रकार का स्मोक या फिर ऐसे कोई सर्टेन गैसेस हैं जो आसपास है केमिकल्स हैं धूल मिट्टी हैवी सेकेंड हैंड स्मोक आपको पोल्यूशन बहुत झेलने को मिल रहा है सबसे कॉमन ट्रैफिक पुलिस में हो आप रोड साइड में खड़े हो सारा ट्रैफिक 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 बट वेरी वेरी बैड इन्वायरमेंट कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो केमिकल प्लांट है बहुत ज़्यादा कोई एक डस्ट फैक्ट्री डस्ट बहुत निकलता है दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल कॉज योर सी ओ देन अगर आप इवन घर में खाना बना रहे हो और उस खाने में वेंटिलेशन नहीं है वो है चूल्हा फूकते हो चूल्हा फूकते वहां कोई वेंटिलेशन है ओ, 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 बहुत सारा दैट काइंड ऑफ अ थिंग विल कॉज प्रॉब्लम चूल्हा भी फीमेल्स में इंडिया में नंबर वन रीजन फॉर सीओपीडी इज चूल्हा नॉट स्मोकिंग चूल्हा सो चूल्हा और वो फूकना और चूल्हा का मतलब जिसको नहीं पता वो सिगड़ी विगड़ी में ऐसे फू फू मार के ऐसा आग जलाते हैं उससे तो वो बहुत ज़्यादा धुआं निकालता है तो वो धुआं इज़ बैड अन्सर अंटिल देर इज वेंटिलेशन वेंटिलेशन होगा तो उतना धुआं नहीं होगा तो दैट इज काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट टाइम सो सी ओ पी टी इज़ अग बिग रीजन्स चलो ये सारे कारण हो गए मोटा मोटा अब सिम्टम किसी को हो गया सी ओ पी डी क्या होगा अबिस सी बात है आपके लंग्स में डैमेज हो रहा है आपके लंग्स में दिक्कत हो रही है या तो लंग्स में जाने वाली सांस की नलियाँ हैं वो डैमेज हो रही हैं वहाँ पे स्पाजम हो रहा है वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर आखिरी में जो उनके गुब्बारे हैं ओला है वो गुब्बारे जो है फूट जा रहे हैं तो वो एम्पाइसीमा हो रहा है दोनों ही कारण से आपके लंग्स में अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा और होगा क्या आपको सबसे पहले और सबसे सिंपल सिम्टम आएगा बल खांसी आएगी खांसी आएगी बलगम हो भी सकता है इनिशियल स्टेज में इनिशियल स्टेज में इन्फ्लामेशन होता है तो बलगम आता है इन्फ्लामेशन होता है बलगम आता है आपको बलगम बलगम ज्यादा होगा और जैसे जैसे वहां डैमेज होने लग जाएगा वो हिस्सा खत्म हो जाएगा मर जाएगा तो वहां बलगम आएगी आएगा ही नहीं या तो जीरो बलगम होगा या ज्यादा बलगम होगा समझ लीजिए और उसके अलावा क्या है अल्टीमेटली लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो आपको कमजोरी होगी फटीग होगी प्लस आपके इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है वो तो गई प्रोटेक्शन कहां से करेगा जब इतना डैमेज हो रहा है तो वहां बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो जाएंगे बहुत आसानी से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएंगे सुपर एडिड इन्फेक्शन की वजह से इंसान मरता है सी में कोरोना कोरोना और कोरोना ज़ा ऐसा होता है फिर सो so, उसके साथ में आपको चलने फिरने में सांस में दिक्कत होगी थोड़ा सा भी चल रहे हैं सांस फूलेगा वीजिंग होगी सांस में आवाज आएगी सांस की आवाज ऐसी आवाजें आने लगेगी सो दो काइंड ऑफ अ थिंग आर देर अब ऐसे में क्या होता है कई लोगों को पता ही नहीं चलता कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनको सीओपीडी है क्योंकि धीरे 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 दि धीरे धीरे सालों में हो रहा है सो आपको पता ही नहीं चलता सो so अल्टीमेटली आपको पता कैसे चलेगा आपको पता चलेगा टेस्ट करा के टेस्ट कैसे करेंगे स्पाइरोट्री पल्मनरी फंक्शन टेस्ट स्पायरोमीट्री नाम का टेस्ट है जिससे कि आप क्या करते हो एक मुंह के अंदर आपके एक लगाया जाता है और जितने जोर से हो सके उतने जोर से आपको फूक मारना होता है आपको जितने जोर से हो सके उतने जोर से आपको एक स्पाइरोमीटर में फूक मारना होता है उसमें फूक मारते हैं तो वो लंग की कैपेसिटी देखता है और वो लंग की कैपेसिटी जो है वो चेक कर सकते हैं हम कि आपके लंग्स जो हैं वो कितना परसेंट डैमेज है कितने काम कर रहे हैं और उसके अलावा हम साथ में स्टेथोस्कोप से आपकी छाती में सुन सकते हैं कि किस एरिया में आवाज़ अलग आ रही है क्योंकि ये हो जब वहाँ पे सांस की नलियाँ अलग हो जाती चेंज हो जाती तो आवाज़ भी चेंज हो जाती है कोई एरिया में फो फट गए हैं वहाँ की आवाज़ भी चेंज हो जाती है क्रैकलिंग साउंड आने लगता है जीप सा साउंड आने लगता है सो दोज़ काइंड ऑफ अ थिंग वी गिव एस एन आइडिया कि इसको सी हो सकता है फिर ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं हम फिर एक्सरे कराते हैं एक्सरे में डाउट लग रहा है तो सी स्कैन कराते हैं स्कैन और एक्सरे से हमें आइडिया मिल जाता है कि कितने परसेंट कहाँ कहाँ डैमेज हो सकता है उसके अलावा ब्लड uh, टेस्ट कई बार कर सकते हैं ए ए बी जी आरटीरियल ब्लड गैस जिससे हमें पता चलता है शरीर में कितना ऑक्सीजन है कितना कार्बोहाइड्रेट है अल्टीमेट काम आपके लंग्स का क्या है ऑक्सीजन डालना कार्बोहाइड्रेट निकालना वो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा ऑलरेडी नहीं हो रहा तो दिक्कत उसके ऊपर मान लो कोई इन्फेक्शन हो जाए कोरोना जैसा तो फिर आपका क्या हाल होगा सो so, इसीलिए अगर कोई हम इस प्रकार की चीज़ें सस्पेक्ट करते हैं तो फिर हम आगे जाँच करते हैं उसका कारण ढूंढते हैं कारण को ट्रीटमेंट करते हैं ट्रीटमेंट में क्या करते हैं देखिए ऐसा है ये सीओपीडी बीमारी हो के ये ये एक तरीके से वो चीज़ है जैसे अगर मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ चूल्हे के पास रखा रखा कई बार आपके जो कई लोगों के घर में जिसके पास लाइटर है लाइटर पिघल जाते हैं प्लास्टिक के लाइटर कई लोगों के जो दूसरे चीज़ें होती हैं वो एक बार वो हो गया वो पिघल गया वो वापस ठीक नहीं होगा वैसे ही ये है तो सीओपीडी एक बार हो गया उस लेवल तक हो गया कि एम हो जाए वो नहीं ठीक होगा एम फाई नहीं ठीक होता क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मैनेज हो सकता है सो सीओ पी डी कैन बी मैनेज बट कैन नॉट बी क्योर्ड ओके यू कैन यू कैन मैनेज कि चलो होगा लाइटर से काम हो रहा है तो काम कर लो लेकिन वो पूरा न्यू नया जैसा नहीं हो जाएगा सेम वे हो तो फिर वापस उसको वहीं घर में रखते रहोगे वो खराब हो जाए सो लंग्स खराब हो जाएंगे तो लंग क्या करोगे बदलने पड़ेंगे लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हो पैसा है तब तो ठीक है नहीं कर सकते जय माता दी सो so, आप बचोगे नहीं फिर सो वॉट इज द थिंग सी ओ पी डी का ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट अगर तो आप स्मोक करते हो तो भैया इट्स टाइम टू टाटा बाय बाय कर दो स्मोकिंग को स्मोकिंग पहला काम इज द सबसे इंपॉर्टेंट है इज टू स्लो द लंग डैमेज इज टू स्टॉप स्मोकिंग उसके अलावा देर आसम क्विक रिलीफ मेडिकेशन जो हम आप दे सकते हैं सी ओ पी डी के सबसे आपको दवाइयों के लिए अलग से एक बार वीडियो बनाना पड़ेगा दवाइयों से अलग से बताएंगे Uh, जिससे कि ब्रोंको डायलेशन होता है थोड़ा रिलैक्सेशन होता है स्टीरॉयड होती है फिर लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन होती है जो लंग इन्फ्लामेशन कंट्रोल करती है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन भी दे सकते हैं जो इसमें काम करती हैं एंटीबायोटिक भी देना पड़ जाता है कई बार जो लंबे समय में भी दिया जाता है क्योंकि प्रिवेंशन करना है सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम इन्फेक्शन लग रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम सो बहुत सारी इश्यूज़ हैं सिवियर केसेस में स्टीरोयड देना ही पड़ता है आई लाइन से रोंग को डायलेटर देना पड़ता है नेबुलाइजर ऑक्सीजन थेरेपी कई बार बाईपैप सी पैप इंट्यूबेशन वेंटिलेटर इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है सो सी ओ पी डी इज नॉट अ सिंपल डिजीज ऐसे पेशेंट्स को अगर कोरोना जैसे कोई बीमारी हो गई तो फिर इसको आप सोने पे सुहागा का उल्टा उल्टा समझ लीजिए और जय माता दी होने का अंदेशा समझ लीजिए सो दिस इज द थिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस सी ओ पी डी कह लीजिए सी ओ पी डी इज अ बिग 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 डिजीज़ बहुत लोगों को है बहुत कॉमन है बहुत सारे लोगों को बट हो गई ऐसा नहीं है कि भाई इसके साथ जी नहीं सकते जी सकते हैं मैनेज कर सकते हैं बट देन आपको सुधरना पड़ेगा आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर बात करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ सीधा करनी पड़ेगी अपने रेगुलर स्ट्रेस और मूड मैनेजमेंट करना पड़ेगा पोल्यूशन से, से दूर रहना पड़ेगा ठंडे खट्टे से दूर रहना कम खाना पड़ेगा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है इन्फ्लामेटरी फूड्स कम खाने पड़ेंगे हो सकता है बीच में आपको फिर भी आपकी दिक्कत बढ़ जाए और अल्टीमेटली फिर ऑपरेशन uh, की जरूरत की बात आ जाए कि भाई अब नहीं मैनेज हो रहा या तो फिर छोटा मोटा लंग का हिस्सा जो खराब हो गया उसको निकाल दो या तो पूरा का जैसे एम सीमा हो गया एक फट गया इतना बड़ा गोला बन गया वो उसको निकालना पड़ेगा ऑपरेट करना पड़ेगा या तो फिर लंग ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा बट वो बहुत कम लोगों को होता है सीओपीडी के ज़्यादातर लोग अगर समय पर सुधर जाए तो सुधर ही जाते हैं क्योंकि तो वो एक सांस की बीमारी है इस लेवल तक पहुंचती नहीं है लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है फिर फिर लेकिन उसके बाद क्या होता है इसके साथ चलते चलते सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं सीओपीडी के चलते चलते आपको फिर हार्ट पे प्रेशर आता है बिकॉज जब लंग सही से काम नहीं कर रहे तो हार्ट पे प्रेशर आएगा भाई सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाना है सो so, हार्ट में कभी रिदम प्रॉब्लम कभी राइट साइडेड हार्ट बड़ा होने लगता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर बिकॉज लंग में प्रेशर बढ़ गया है राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स द ब्लड इन टू द लंग्स सो वहां प्रेशर वहां पे बड़ा हो जाता है हार्ट सो तो राइट साइडेड फेलियर हो जाता है कोर पलमोनेल जिसको बोलते हैं सो दीज आर वॉट दीज आर द कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर राइट हार्ट फेल राइट हार्ट फेलियर रिदम प्रॉब्लम देन देर इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम कई बार लंग कोलैप्स हो जाता है निमोनिया हो जाता है और कई बार ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती है प्लस यू माइट हैव एन्जाइटी एन अदर थिंग्स सो बेस्ट इज टू प्रिवेंट चुपचाप स्मोकिंग बंद करो ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो दिक्कत बंद करो रेगुलर हर साल अपना लंग फंक्शन टेस्ट कराओ या दो साल में एक बार कराओ चालीस तीस पैंतीस चालीस साल के ऊपर खुश रहो बढ़िया से हैपी रहो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सीओपीडी, ओ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज व्हिच यू नीड टू नो, इसी में कवर हो गया आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम आई होप यू अंडरस्टुंड इफ यू डिड, देन प्लीज शेयर करिएगा इस वीडियो को लाइक like करिएगा और uh, कोई भी सवाल है आप नीचे लिखिए वी विल ट्राई टू आंसर इट थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी